आपके दिन ये वीडियो आज हम करने वाले हैं कैनन 1300D की अनबॉक्सिंग और देखेंगे इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है और क्या नहीं। और इसके साथ हमें मिला है यहाँ पर एक हमारा इसके साथ कैरी केस। चलिए पहले हम इसको खोल कर देखते हैं इसमें क्या क्या फीचर मिलते हैं। ये है हमारा कैनन का बैग, इसमें हम हमारे कैनन के मॉडल को कैरी करेंगे। और इसका जो हमें मिलता है वो बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है, क्वालिटी बहुत ही अच्छी है हमारे जो कि हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर है हमारे पास एक पोर्शन जिसमें हम यहाँ पर रख सकते हैं हमारे चार्जर वगैरह और एनी एक्स्ट्रा चीज़ को, जिसको आप देखिए यहाँ पर अलग भी हो चुका है। और यहाँ पर मेरे एक्स्ट्रा है जिसको आप अपने शोल्डर पर कैरी कर सकते हैं। यहाँ पर आ सकता है आपका मॉडल जिसमें आप रखेंगे, इसमें आपकी जो भी लेंस वगैरह आपके दो लेंस कैरी करने की जगह, इसके नीचे आपको मिलता है एक शॉर्ट नेट जिसके अंदर आप कैरी कर सकते हैं कोई भी डाटा केबल और अदर चीज़। और यही है हमारा बैग, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। यहाँ पर ऊपर लिखा है EOS जो कि है कैनन की द्वारा। और यहाँ पर आपको कैरी करने का केस भी मिलता है, साथ में मिलता है एक हुक ताकि आप इसे लॉक कर सकें। बस यही था हमारा इसका बैग। अब हम लेकर चलते हैं हमारे मॉडल के ऊपर जो कि है कैनन 1300D। दिस इज़ अवर कैनन 1300D, ऊपर लिखा है 1+1 2 ईयर्स वारंटी एंड दिस इज़ अवर मॉडल एंड वाईफाई नेटवर्क का ऑप्शन दिखाया हुआ है ऊपर। और साथ ही यहाँ लिखा है EOS 1300D और इसके अंदर है 16GB कार्ड इनसाइड, यानी आपको इसके अंदर 16GB का कार्ड मिलेगा। इसके अंदर आपके पास दो लेंस मिलेंगे, एक से 18 से 55 mm का और एक 55 से 250 mm का। और साथ ही आपको मिलेगा 18.0 megapixel का इसका कैमरा और ये देगा 3.0 frames per second और साथ में सीन प्लस इंटेलिजेंट ऑडियो और कैनन कनेक्ट स्टेशन। ज़्यादा नहीं देखते हैं अंदर, हम देखते हैं अंदर बॉक्स के अंदर क्या कंटेंट्स हमें मिलते हैं। ये है हमारा बॉक्स और जहाँ पे हमें ऊपर मिलती है एक मोटी सी बुकलेट जिसे आप पढ़ सकते हैं बैटरी यूज़ के लिए। इसको हम रखते हैं साइड में और इसको हम साइड में रखते हैं। यहाँ पर आपको दिखते हैं कई सारे पोर्शंस जहाँ पे आपको सबसे पहले मिलता है कैनन का स्ट्रैप। ये कैनन का स्ट्रैप देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये इससे आप अपने जो आपका कैनन का कैमरा है आप कैरी कर सकते हैं। इसके अंदर आपको ये सेट करके अपने शोल्डर पे अच्छी तरह आप अपने कैनन कैरी कर सकते हैं और आप उसको काम में ले सकते हैं अच्छी तरह, जो कि हमें मेरे को इसकी बहुत ज़रूरत है। इसको हम रखते हैं साइड में और साथ ही साथ मिलती है आपको यहाँ पर एक चार्जर जो कि है हमारी बैटरी चार्ज करने के लिए। इसमें बस एक ही बैटरी चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर लगी हमारी बेसिक डाटा केबल, इसको मैं लेने वाला हूँ अपने काम में और उसको रखते हैं साइड में। और साथ ही यहाँ पर मिलती है आपको उस चार्जर में लगाने की डाटा केबल। यहाँ पर है आपका इंडियन प्लग और साथ में है यहाँ पर आपकी डबल केबल ताकि आप इसको यहाँ पर कनेक्ट कर सकें और ज़्यादा कुछ नहीं। और साथ में मिलता है आपको एक कैनन की मिलेगी आपको बैटरी। आपको मैं बताने चाहता हूँ कि कैनन की बैटरी पर आपको हमेशा कैनन लिखा पाएगा और कि आपको कोई और चीज़ नहीं मिलेगी। और कैनन क्या आपको लेनी है तो ऊपर कैनन लिखा हुआ देख लेना। और आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि आपकी ये कैनन की बैटरी नई है या नहीं है। तो मेरी तो नहीं है, इसलिए क्योंकि लोग कई कैनन की बैटरी ओरिजिनल नहीं देते हैं। और ये है हमारा लेंस, देखते हैं ये हमें कौन सा मिलता है, 18 से 55 वाला या 55 से 250 वाला। ये हम खोलते हैं इसको और तो ये है हमारा 0.25 से 0.8 FT का। और ये है हमारा 18 से 55 mm का लेंस। आप को मिलते हैं ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस के ऑप्शन और स्टेबलाइजर ऑन और ऑफ का मिलता है ऑप्शन। ऊपर मिलती है आपको कैप ताकि आप अपने लेंस को अच्छी तरह प्रोटेक्ट कर सके और साथ में आपको मैनुअल फोकस में आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको पीछे भी ऐसे मिलता है ताकि आप इसको प्रोटेक्ट कर सकें, इसे भी रखते हैं साइड में। और साथ ही साथ ये मिलती है हमें एक डाटा केबल ताकि आप इसे कनेक्ट कर सकें अपने फ़ोन से। और ये है हमारे साइड में एक और पोर्शन, इसमें देखते हैं क्या मिलता है। यस, ये है हमारा 55 से लेकर 250 mm का लेंस जो कि है बहुत हैवी और एज कम्पेयर टू 18 से 55 mm वाले लेंस से ये बहुत भारी है। और इसे हम खोलते हैं तो ये है हमारा 55 से 250 mm का लेंस जहाँ पे आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा हो सकता है और कितना छोटा। ये मैनुअल फोकस पे कर रहा है। यहाँ पर आपको वही फंक्शन मिलते हैं मैनुअल फोकस और ऑटो फोकस के और स्टेबलाइजर ऑन और ऑफ के। और यहाँ पर आपको मिलती है कैप और इस साइड भी मिलती है कैप, इसको भी रखते हैं साइड में, देखते हैं इसको बाद में। और ये है हमारा
मेन कैमरा। देखते हैं हम इसको हमारे बॉक्स को साइड में और खोलते हैं हमारे कैनन के मॉडल को। और ये है हमारे कैनन का मॉडल, ऊपर है एक बढ़िया सा क्लॉथ ताकि ऐसे आप प्रोटेक्ट कर सके। ये है हमारे कैनन का कैमरा जिसे आप देख सकते हैं ये कितना प्यारा और कितना स्मूथ है पकड़ने में। और आप देख सकते हैं इसका जो कलर है इसका मुझे बहुत प्यारा लगा। यहाँ पे लिखा हुआ है EOS 1300D और साथ में ऊपर है कैप। ये आपकी बेसिक स्क्रीन और यहाँ पर आपको मिल जाते हैं बहुत सारे ऑप्शन जूम इन वगैरह के। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर है हमारे सेट करने मैनुअल AV TV वगैरह, ये आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप बेसिक आप कोई और एडिशन करना है लाइट और माइक का वो आप कर सकते हैं। बेसिक आपको शायद यहाँ पर माइक का सेट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, यहाँ पर मिलते हैं बहुत सारे ऑप्शन। देखते हैं यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं आपको। एक मिलेगा आपको डाटा केबल का और एक HDMI आउट को मिलेगा और एक साथ में आपको मिलेगा एक जियो पिन प्लग का पोर्ट मिलेगा। और इसको बंद करते हैं और यहाँ पर है इसका कैप, इसको रिमूव करते हैं, इसको आप रोटेट करके रिमूव कर सकते हैं। ये है हमारी बेसिक जो लेंस की कैप उतारने के बाद की लुक। और यहाँ पर देखते हैं आपको मिलता है एक सेंसर और यहाँ पर बहुत सारे सेंसर हैं ताकि ये आपकी फ़ोटो खींचने में हेल्प करेंगे। और यहाँ पर साथ में अंदर लेंस भी है और साथ में यहाँ पर है आपका शटर बटन जिससे आप अपनी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने चीज़ों को सेट कर सकते हैं, वो मैं आपको बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ पर मिलता है आपको ऑन और ऑफ का ऑप्शन जिसको मैं बैटरी इंसर्ट करने के बाद ही दिखा सकता हूँ। और साथ में मिलती है आपको यहाँ पर फ्लैश लाइट जिसको आप खोल सकते हैं अपने इस बटन को दबा के। जैसे कि मैं इस बटन को दबाता हूँ ये अभी नहीं खुलेगा क्योंकि मैंने इसके अंदर बैटरी इंसर्ट नहीं करी है। और आपको नीचे मिलेगा ताकि आप अपने इसको सेल्फी स्टैंड के अपने ट्राइपॉड स्टैंड के अंदर माउंट कर सकते हैं। और इसको खोलने के बाद मिलता है आपको 10 मिनट आप इसे खोल सकते हैं और यहाँ पे खोल के बैटरी इंसर्ट कर सकते हैं। इसको अब हम देखते हैं सारा, मैं इसका सेटअप कर लेता हूँ और सेटअप करने के बाद आपको दिखाता हूँ।